बाहु। बाहु, आज तक तुम्हारे किसी भी फैसले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम समाज सेवा करती थी, मैंने हमेशा तुम्हारे उस काम का सम्मान किया, लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता बहू। एक बात पूछूं बाबूजी, अगर आपको मेरी समाज सेवा से कोई एतराज नहीं है तो फिर इससे क्यों है? क्योंकि मैं देख सकता हूं बहू कि चुनाव जीतने के बाद मेरी बहू बहू नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज की राजनीति वो जंगल है जिसमें भटकने के बाद अगर तुम वापस अपने परिवार में आना भी चाहो तो नहीं आ सको। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में कोई खराबी है, लेकिन तुम राजनीति के दाव पेच में उलझ कर रह जाओगी। मैं मानता हूं तुम ईमानदार हो, तुम में लगन है, लेकिन बेटा तुम्हारे यही गुण अवगुण बन जाएंगे। इसीलिए राजनीति में उतरने का अपना ये इरादा बदल दो बहू। नहीं बाबूजी, भाभी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। रिमझिम, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। देखो बहू, बाबूजी लेकिन इसमें गलत ही क्या है? आजकल औरतें पॉलिटिक्स में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर बनी हैं, और हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप अपना फैसला भाभी पर क्यों थोप रहे हैं। आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं बाबूजी? भाभी का फैसला सही है, गलत नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है रिमझिम, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। वैसे तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी।